अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है। उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम बनाने लगे हैं बिरयानी। 1 किलो गोश है, सारा मसाला मैंने तैयार कर लिया है, ये देख लें, इमली, ज़ीरा, गरम मसाला और बिरयानी मसाले का पैकेट, और ये प्याज की कटिंग हो गई है, अदरक लहसुन और टमाटर मैंने काट लिए हैं, ये धनिया और पुदीना है, और ये चावल मैंने धो लिए हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, आपने व्लॉग में मेरे साथ साथ रहना है, ठीक है जी। इधर मैंने रख दिया गोश्त फ्राई होने के लिए, गोश्त फ्राई होता है तो फिर हम बिरयानी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है जी। गोश्त फ्राई हो गया है और अब हम प्याज की तैयारी करने लगे जी। इधर मैंने घी रख दिया और अब मैं डालने लगी हूँ इसमें प्याज जी। इधर मैंने डाल दिया है प्याज और साथ ही मैंने डाल दिया इसमें ज़ीरा जी। इसमें मैंने डाल दिया है अदरक लहसुन का पेस्ट, ये देख लें जी। अब इसमें जा रहे हैं टमाटर प्याज और अदरक और लहसुन हो गया है गोल्डन। अब हमने टमाटर डाल देने हैं और इनको अच्छी तरह भूनना है, भून कर फिर इसमें डालेंगे गोश्त जी। मैंने इसमें इमली और कड़ी पत्ता डाल दिया है साथ ही जी। मसाला मेरा भून चुका है, इसमें मैंने नमक डाल दिया है, साथ बिरयानी मसाला डाला है। नमक कम ही डालना है क्योंकि बिरयानी मसाले में भी नमक होता है, इतना ज़्यादा नहीं डालना। और मैंने इसमें गरम मसाला डाला और अब मैं इसमें डालने लगी हूँ गोश्त जी। इसमें मैंने डाल दिया है गोश्त, ये देख लें अब इसको भूनेंगे अच्छे तरीके से, फिर इसमें डालेंगे पानी और फिर डालेंगे चावल जी। गोश्त मेरा भून चुका है, अब इसमें मैं डालने लगी हूँ पानी जी। चावल मैंने इसमें डाल दिए हैं, ये देख लें, और अब इसमें हम रखने लगे हैं ढकना जी। मैंने इसको अब दम पे लगा दिया, ये देख लें इसकी फाइनली लुक, तो थोड़ी देर बाद मिलते हैं, ठीक है चलो इस जी। गैस हमारी चली गई है और हमने सिलेंडर पे बाकी चावल बनाए हैं और फाइनली तैयार हो गए हैं, ये देख लें। थोड़ी देर तक हम मिलते हैं जी। उम्मीद करते हैं आपको आज की मेरी बिरयानी अच्छी लगी होगी। कल फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स तो ज़रूर किया करें। इसी के साथ ही व्लॉग को अल्लाह हाफिज़ कहते हैं, कल फिर मिलेंगे, बाय बाय।